बच्चों, इंग्लिश पढ़ने की शुरुआत एबीसीडी से होती है। जब एबीसीडी पढ़ ली जाती है तो एबीसीडी के बाद हम दो लेटर, तीन लेटर, चार लेटर वाले वर्ड्स को मिला के पढ़ने लगते हैं, और जब इतना कर लेते हैं तो हम छोटे छोटे वाक्यों को पढ़ना शुरू करते हैं, और जब छोटे छोटे वाक्य हम पढ़ने लगते हैं तो फिर हम बड़े बड़े पैराग्राफ को भी पढ़ने लगते हैं, और इस तरीके से हम पूरा जो है इंग्लिश को अच्छे से पढ़ना सीख लेते हैं। इंग्लिश में कुछ वर्ड्स ऐसे आते हैं जिन वर्ड्स की या तो प्रोनाउंसिएशन हमें नहीं आती है, और या तो फिर उनकी स्पेलिंग इतनी कठिन होती है कि वो हमें याद नहीं होते हैं। जैसे आपने नॉलेज का नाम तो सुना होगा, इसका उच्चारण बहुत आसान है लेकिन बहुत से लोगों को इसकी स्पेलिंग नहीं पता है। तो ऐसे बहुत से शब्द हैं अंग्रेज़ी में जहाँ पर ये सब दिक्कतें आती हैं। अब थोड़ा हिंदी की भी बात कर ली जाए, हिंदी में भी जो है बहुत से ऐसे शब्द होते हैं जिनका उच्चारण कुछ होता है और हमारा दिमाग कहता कुछ है और हम लिखते कुछ और हैं। हिंदी में हम किसी भी वाक्य को आसानी से लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन जब हम हिंदी में लिखे वाक्यों को अंग्रेज़ी में लिखने जाते हैं यानी ट्रांसलेट करने जाते हैं तब हमें दिक्कत होती है। और वो दिक्कत क्या होती है, कैसे दूर होगी, वो उससे पहले हम इन वाक्यों को देखते हैं। यहाँ पे मैंने दो अलग अलग कैटेगरी के वाक्य लिखे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एक, दो और तीन नंबर डाला हुआ है, और यहाँ पे मैंने ए, बी और सी नंबर डाला हुआ है। तो पहले वाक्य को हम देखते हैं। पहले वाक्य में लिखा हुआ है हरी क्रिकेट खेलता है, और इसी वाक्य से मिलता जुलता ये वाक्य है, इसमें लिखा है क्रिकेट हरी खेलता है। इसी तरीके से दूसरा वाक्य है श्याम किताब पढ़ता है, और इससे मिलता जुलता दूसरा वाक्य है किताब श्याम पढ़ता है। तीसरा वाक्य है मीना गाना गाती है, और इससे मिलता जुलता वाक्य है गाना मीना गाती है। तो देखिए, इन वाक्यों में से अगर हम पहले, दूसरे और तीसरे नंबर वाले वाक्य की बात करें तो ये वाक्य आसानी से हम पढ़ सकते हैं, इनका हम मतलब समझ सकते हैं और इनका सेंस भी आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे बारात में बहुत से ऐसे लोग प्लेट पकड़े हुए दिख जाते हैं जो देखने में अपरिचित से लगते हैं, और जब उनको एक दो बार हम ध्यान से देखते हैं तो हमारा मन ये कहता है कि होंगे परिचित ही होंगे, मैं ही नहीं पहचान पा रहा हूँ। इसी तरीके से इन वाक्यों को देखा जाए, इन वाक्यों को देखने में जब हम पहली बार इन वाक्यों को देखते हैं तो ऐसा लगता है ये वाक्य कुछ अटपटे से हैं, लेकिन जब इन वाक्यों को हम ध्यान से एक दो बार पढ़ते हैं तो हमें इस ये वाक्य पढ़ने में आ जाते हैं। वाक्य सही कैसे लग रहा है, इसके पीछे कारण क्या है, अगर आपसे ये पूछा जाए तो आपका दिमाग चकरा जाता है और आप सोचते हैं हमें इन चीज़ों से क्या लेना देना, अपना काम तो चल रहा है ना, और यहीं से आप गलत ट्रेन पकड़ लेते हैं। अरे, मेरा मतलब ट्रेन को गलत पकड़ाने से नहीं है, मेरा मतलब ये है कि ऐसे वाक्यों का आप सही मतलब निकाल नहीं पाते हैं। अब अगर मान लीजिए आपसे ये पूछ दिया जाए कि ये वाक्य बनाने के नियम क्या हैं, कौन से नियम से ये वाक्य बनते हैं, तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने देवी देवताओं को याद करने लगेंगे और सोचने लगेंगे कि हे भगवान, मैं यहाँ कहाँ आके फंस गया, यानी ये कह सकते हैं कि आसमान से गिरे और खजूर पे अटके। अरे अरे, मैं आपको खजूर के पेड़ पे अटकाने की बात नहीं कर रहा हूँ, आपकी इस समस्या को दूर करने के लिए आज का हम वीडियो लाए हैं, और आज के वीडियो में हम वाक्य बनाने के नियम को अच्छे से सीखेंगे। वंदे मातरम प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका मेरे इस YouTube चैनल में, जहां आज हम इंग्लिश में वाक्य बनाने के नियम को अच्छे से समझेंगे और खजूर के पेड़ से नीचे चले आएंगे। बस आप अपने कुर्सी की सीट बेल्ट बांध लीजिए और फिर चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो खजूर के पेड़ पे मत अटकिए, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे आने वाले सारे वीडियोस को बिना स्किप किए देखिए। बाहुबली वाला डायलॉग फिर से नहीं ना, हाँ तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए आपको किसी एक जगह से दूसरी जगह जाना है, और मैं अगर आपसे ये पूछूं कि वो कौन सी तीन सबसे ज़रूरी बातें हैं, तो आपका जवाब होगा
कि पहला कि जाने वाला कौन है, पता चला जाना रमेश को है और पहुंच सुरेश गया। इसी तरीके से दूसरा जवाब आपका ये होगा कि जाना कहाँ है, पता चले आपको दिल्ली जाना है और आप लखनऊ पहुंच गए, ठीक है। इसी तरीके से आपका तीसरा जवाब ये होगा कि जाने का साधन क्या है, तो जाने का साधन पता चले आपको जाना कार से है और आप बैलगाड़ी से चले गए। तो मेरे कहने का मतलब समझिए, मेरे कहने का मतलब ये है कि जब तक ये चीज़ें निश्चित नहीं होंगी तब तक जो है हम अपनी पहुंचने वाली जगह पर सही तरीके से नहीं पहुंच सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से किसी भी वाक्य में तीन सबसे ज़रूरी चीज़ें होती हैं। ऐसा नहीं है कि इन तीन चीज़ों के अलावा और कोई चीज़ नहीं होती है, लेकिन हमारा मेन मतलब यहाँ इन तीन बातों से है, ठीक है ना। इसी तरीके से वाक्य में तीन सबसे ज़रूरी चीज़ें होती हैं। पहला होता है कर्ता, जिसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। दूसरा होता है क्रिया, जिसको हम वर्ब बोलते हैं। और तीसरा होता है कर्म, जिसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो अब आप इन दोनों की तुलना करते चले जाइए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। तो मैंने आपको यहाँ तीन मुख्य बातें बताई, ऐसे ही वाक्य में ये तीन मुख्य चीज़ें होती हैं। यही तीनों चीज़ें मिलके किसी भी वाक्य का निर्माण करती हैं। जैसे मिठाई भी अगर बननी है तो मिठाई के लिए भी तो तीन चीज़ें ज़रूरी हैं। पहली है दूध, दूसरा है चीनी और तीसरा है आँच। आँच का मतलब उसको फ्लेम देना। अगर सोचिए कि आँच ना हो, कढ़ाई में दूध पड़ा हुआ है, तो क्या मिठाई बन जाएगी? नहीं ना। ठीक वैसे ही किसी भी वाक्य के लिए यहाँ तीन चीज़ें ज़रूरी होती हैं, और इन्हीं तीन चीज़ों को हम इस नियम से प्रयोग करके और किसी भी वाक्य को ट्रांसलेट करते हैं। आज हम मेनली सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। सब्जेक्ट क्या होता है, क्या काम करता है सेंटेंस में, सब्जेक्ट कितने तरीके का होता है, और सब्जेक्ट से जुड़ी जो भी बातें हैं वो आज हम अच्छे से समझ लेंगे। इसके अलावा हम वर्ब और ऑब्जेक्ट को भी समझेंगे। ऐसा नहीं है कि केवल हम सब्जेक्ट पढ़ के और इस वीडियो को ख़त्म कर देंगे। बस आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आप पूरे वीडियो का सार समझ पाइएगा। तो चलिए सब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं। देखिए, किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट वह होता है जिसके बारे में बात की जाती है। जैसे इस वाक्य में राम दौड़ता है लिखा है, किसके बारे में बात हो रही है? राम के बारे में, तो राम हमारा सब्जेक्ट हो गया। रवि खेलता है, किसके बारे में बात हो रही है? रवि के बारे में, तो रवि हमारा सब्जेक्ट हो गया। वे पढ़ते हैं, किसके बारे में बात हो रही है? वे के बारे में, तो हमारा सब्जेक्ट वे हो गया। इस वाक्य में देखिए, प्रधानमंत्री जाते हैं, तो इस वाक्य में किसके बारे में बात हो रही है? प्रधानमंत्री के बारे में बात हो रही है, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। यानी कुल मिला जुला के हम ये कह सकते हैं कि वाक्य में सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में बात होती है, और जिसके बारे में जो बात होती है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट को हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। अब देखिए, हम ये तो जान गए ना कि सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट किसे कहते हैं। अब बात आती है कि क्या किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट जो है वो केवल नाउन होगा, यानी संज्ञा का शब्द होगा? क्या सचमुच ऐसा है? तो चलिए, इस चीज़ को समझने के लिए हम इन एग्जांपल्स का सहारा लेते हैं, और इन एग्जांपल्स को हम अच्छे से समझेंगे तो हम समझ जाएंगे कि सब्जेक्ट में केवल नाउन होता है या कुछ और भी होता है। जैसे इस वाक्य को देखिए, इसमें लिखा हुआ है दे प्ले हॉकी, तो यहाँ पे जो दे वाला वर्ड है ये हमारा प्रोनाउन यानी सर्वनाम का शब्द है, ठीक है। इसी तरीके से अगले वाक्य में रवि, ये किसी व्यक्ति का नाम है, तो ये हमारा नाउन हुआ।
इसी तरीके से यहाँ पे ईट शब्द का प्रयोग हुआ है। अब ईट शब्द तो ना किसी व्यक्ति का नाम होता है ना उसकी जगह वो प्रोनाउन होता है, तो ईट का भी प्रयोग जो है वो एक तरीके से सब्जेक्ट के लिए किया जाता है। यहाँ पे ड्रिंकिंग वर्ड को आप देख रहे हैं, ड्रिंकिंग वर्ड हमारा जो है वो जीरंड का पार्ट होता है। यहाँ मैं आपको सिर्फ इतना बता देता हूँ कि किसी भी वर्ब में जब हम आईएनजी लगा के उस वर्ब को नाउन के रूप में बदलते हैं तो वही हमारा जीरंड होता है। और इस तरीके से एक हमारा ये जो लास्ट सेंटेंस है इसको हम बोलते हैं इन्फिनिटिव। तो आज से आप अपने दिमाग में से ये डाउट बिल्कुल दूर कर दीजिए कि किसी भी वाक्य का जो सब्जेक्ट होता है वो केवल नाउन होता है। किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट जो है नाउन, प्रोनाउन, जीरंड और इन्फिनिटिव में से कोई भी हो सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए सब्जेक्ट के बारे में हमें दो बातें पता चल गईं। पहली बात तो ये कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में बात होती है। दूसरी बात ये कि किसी भी सेंटेंस में जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो नाउन, प्रोनाउन, इन्फिनिटिव या जीरंड में से कोई भी हो सकता है। ये बात हुई पूरी सब्जेक्ट की। अब जरा वर्ब के बारे में भी बात कर लिया जाए। तो देखिए सबसे पहली बात वर्ब के बारे में ये जानिए कि किसी भी सेंटेंस में वर्ब जो होता है वो किसी सेंटेंस का समय यानी काल बताता है। यहाँ मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं, आप इनको मेरी बात इन एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगी। जैसे यहाँ पहला वाक्य लिखा है मैं खा रहा हूँ, इसका ये जो वाक्य है हमारा ये वाक्य प्रेजेंट टेंस का है, मैं खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग, मैं खा चुका हूँ यानी ये खाने का काम खत्म हो चुका है तो ये जो है पास्ट टेंस हो गया, और मैं खाऊंगा यानी ये काम भविष्य में होगा तो इस हिसाब से जो है ये फ्यूचर टेंस हो गया। तो इन एग्जाम्पल से आपको ये समझ में आ गया होगा कि किसी भी वाक्य में क्रिया जो होता है वो सेंटेंस का हमारा समय बताता है। इसकी इंग्लिश भी देख लीजिए, इसकी इंग्लिश होगी आई एम ईटिंग, इसकी इंग्लिश होगी आई हैव ईटन और इसकी इंग्लिश होगी आई शैल ईट। अब कुछ लोग तो ये कहेंगे कि सर आई विल ईट भी तो होगा। तो बिल्कुल होगा, मैंने कब मना किया कि आई विल ईट नहीं होगा, लेकिन विल का प्रयोग कब कैसे किस कंडीशन में करेंगे वो एक अलग चीज़ है। ठीक है ना, यहाँ तक बात आप समझ चुके होंगे। अब मान लीजिए आपको मार्केट से 5 कलम खरीदनी है और आपके पास 50 रुपये हों, तो क्या आप 50 रुपये ले जाके और बिना कलम का दाम पूछे 5 कलम खरीद के लेके चले आएंगे? बताइए ऐसा करेंगे? नहीं ना। आप क्या करेंगे, सबसे पहले 1 कलम का दाम पूछेंगे और फिर 1 कलम के दाम के हिसाब से आप जो है वो 5 कलम का दाम उस दुकानदार को देंगे और बचे हुए पैसे लेके आप वापस चले आएंगे। इसी तरीके से किसी भी वाक्य में जो हमारी क्रिया होती है वो क्रिया जो है वो सेंटेंस के हिसाब से लगाई जाती है। एकदम मोटी मोटी बात इस बात को गांठ बांध लीजिए कि जैसा सेंटेंस का समय रहता है उसी हिसाब से हमारी क्रिया का प्रयोग होता है। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि टेंस हमारे 3 तरीके के होते हैं, इसके और भी पार्ट्स होते हैं लेकिन यहाँ मेन 3 टेंस की मैं बात कर रहा हूँ। तो देखिए वर्ब में प्रेजेंट टेंस में जो वर्ब होती है वो इज, एम, आर, हैज और हैव जैसी क्रियाओं का हम प्रयोग करते हैं। अगर वाक्य हमारा पास्ट टेंस का होता है तो हम वाज, वर और हैड जैसे वर्ब्स का प्रयोग करते हैं। इसी तरीके से फ्यूचर टेंस का अगर सेंटेंस होता है तो विल, शैल और विल हैव बीन जैसे वर्ब्स का हम प्रयोग करते हैं। तो इस तरीके से हम वर्ब के बारे में भी मोटी मोटी बातें समझ चुके हैं। वर्ब तो एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए कि फाइनाइट वर्ब क्या होता है, इनफाइनाइट वर्ब क्या होता है। सेंटेंस में हमने सब्जेक्ट और वर्ब के बारे में जान लिया है। अगर अब तक आपको ये वीडियो में कोई भी थोड़ा भी कन्फ्यूजन हो तो आप वीडियो को फिर से देख के उस कन्फ्यूजन को दूर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं
सेंटेंस के लास्ट पार्ट यानी ऑब्जेक्ट के बारे में। तो देखिए, ऑब्जेक्ट किसी भी वाक्य में वो होता है जो किसी क्रिया का एक्शन रिसीव करता है, ठीक है। इस चीज़ को समझने के लिए मैंने यहाँ 3 एग्जांपल लिखे हैं, इन एग्जांपल से हम ऑब्जेक्ट को अच्छे से समझ लेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है आई एम राइटिंग अ बुक, तो देखिए राइटिंग यहाँ क्या है, क्रिया है। क्रिया का एक्शन कौन रिसीव कर रहा है, बुक कर रहा है, क्योंकि लिखने का काम हम क्या कर रहे हैं, किताब कर रहे हैं, यानी हम किताब लिख रहे हैं। तो इस वर्ब का जो रिसीवर है वो बुक है, इसलिए ये जो शब्द है हमारा ये ऑब्जेक्ट हुआ। इस वाक्य में देखिए, इसमें ईटिंग वर्ब है और इसका एक्शन कौन रिसीव कर रहा है, फूड रिसीव कर रहा है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। इसी तरीके से इस वाक्य में लर्निंग हमारा क्रिया है यानी वर्ब है, और इसका एक्शन कौन रिसीव कर रहा है, लेसन, तो लेसन हमारा ऑब्जेक्ट है। तो इस तरीके से हमने सेंटेंस में यूज़ होने वाले सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इन तीनों चीज़ों को अच्छे से डिस्कस कर लिया है। और मुझे उम्मीद है कि इतना जानने के बाद से आपको अब तक जो कन्फ्यूज़न हो रही थी अब वो कन्फ्यूज़न नहीं होगी। लेकिन ज़रा ध्यान दीजिए इन वाक्यों पे। ये पहला वाक्य लिखा हुआ है, पेड़ से पत्ता गिरता है, आसमान से बारिश होती है, नल से पानी गिरता है। तो देखिए, आपको पता है कि पेड़ और पत्ता ये दोनों हमारे नाउन यानी संज्ञा वाले शब्द हैं। इसी तरीके से आसमान और बारिश ये दोनों हमारे नाउन वाले शब्द हैं, और तीसरे वाक्य में नल और पानी ये भी हमारे नाउन वाले शब्द हैं। तो मुझे आप बताइए कि क्या आप भी और लोगों की तरह ऐसा सोच रहे हैं कि हिंदी में हम जो पहला शब्द लिखा हुआ है उसी को हम सब्जेक्ट मान लें? बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में, आप जवाब दीजिएगा। क्या आपको ऐसा लगता है कि हिंदी में लिखे इन वाक्यों में जो पहला शब्द है क्या वही आप सब्जेक्ट मानते हैं? और अगर ऐसा आप मानते हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं। अगर आपको ये जानना है कि इन वाक्यों में हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, तो इसके लिए आप अगले पार्ट का इंतज़ार कीजिए। अगला पार्ट और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि उसमें हम सब्जेक्ट की कुंडली दिखाएंगे, सब्जेक्ट्स के बारे में जो भी बची हुई बातें हैं वो सब कुछ आपको बता दिया जाएगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों में। तो आप बस इत्मीनान से उन वीडियोस को देखते जाइएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में रिस्पॉन्स करते जाइएगा, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।